ये देखो इसकी हालत खराब। दोबारा झूलेगा झूला? नहीं नहीं अब नहीं झूलना, मैंने झूला भाई। ये जब ऊपर जा रहा है ना बहुत अजीब सा हो रहा है। ओ भाई गिर जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश नेगी, कैसे हो आप सब? तो आज हम आ रखे हैं यहाँ ट्रेड फेयर में जो 12 सेक्टर में है फरीदाबाद में, और मेरे साथ है मेरा दोस्त हार्दिक। हेलो। तो अब चलते हैं ट्रेड फेयर पे। तो ये है ट्रेड फेयर की एंट्री। तो यहाँ ऐसा कुछ है ट्रेड फेयर, मतलब यहाँ शॉप्स है बहुत सारी। अब ये शूज़ की दुकान, अरे पूछते हैं इनके रेट क्या है। ये सारे ना यहाँ सब सब कुछ डिस्काउंट में मिलता है। अरे भैया ये 1250, ये वाले 1250 के, 1250, 1550, 1850। क्या कंपनी के कैसे शूज़ है? कंपनी के सारे टेस्टेड पे, वो ये नहीं लिखा था चमड़ा ना होने पर 10,000 का इनाम। और यहाँ पीछे जो शॉप है यहाँ सब मतलब मिट्टी के बर्तन यहाँ है सारे के सारे, ये पूरे मिट्टी के बन रखे। बताओ भैया पता नहीं कहाँ पर है। देखो यहाँ मिट्टी के कप है, बोटल्स हैं, तवा है सब। क्या है इसके अंदर नाम लिखा जाता है बता तेरे को? इसके अंदर ये क्या है? चावल के दाने, चावल के दाने के इसके अंदर नाम लिखा जाएगा अलग से। अरे वाह। क्या प्राइस अभी इन सबका? तो इसके अंदर भी ऐसे चावल के दाने से नाम लिखते हुए। और यहाँ आए कह रहे ब्रांडेड टी शर्ट 500 रुपए के दो पीस। अच्छा सारा ब्रांडेड है, सब सब में लोगो लगा। ये शर्ट कितने की है? 500 की दो। अच्छा जितने भी ले लो 500 की दो। सही है टी शर्ट। तो यहाँ मतलब जो टी शर्ट थी वो 500 रुपए की दो है, चाहे कोई से भी टी शर्ट ले लो। और मतलब सही क्वालिटी थी, ठीक क्वालिटी थी, 500 रुपए की दो के हिसाब से बहुत अच्छी क्वालिटी थी वो। और यहाँ घर की महिलाओं के लिए पूरा किचन का सामान, इधर बुक की शॉप भी है। मतलब यहाँ बहुत सारी तरह की बुकें हैं, जैसे ये बहुत फेमस बुक है रिच डैड पुअर डैड। ये कितने की भैया? 200 की। और यहाँ ये सारे कप, तरह तरह के कप्स हैं इधर। तो अभी हम आ गए हैं ट्रेड फेयर से यहाँ रोज गार्डन में। वहाँ इतना कुछ ऐसा खास था नहीं, मतलब नॉर्मल शॉप्स थी। तो अब यहाँ देखते क्या है, उधर चलते हैं ना। नमकीन खाने मुझे टाइम से वेट कर रहा था मैं इसकी। नमकीन कितने की है? 40-50। तो अभी हमने ले ली नमकीन, दिखाई हार्दिक ये खुश है, लौंडा बहुत खुश हो रहा है नमकीन लेके। बहुत टाइम से यार क्रेविंग हो रही थी, बहुत दिन बाद खाया इसलिए। तो अभी हम पहुंच गए हैं ग्रैंड फेस्टिवल पे। यहाँ देखो यहाँ भाई बहुत सारे झूले हैं। ऊपर रुकना नहीं है इस रास्ते में। नहीं नहीं तो पाथरी के दावा तो किधर आप रहेगा। ये तो कहाँ आएगा, बैठ जा, आ जा उधर बैठ जा आराम से। वो जल्दी चालू नहीं हो गया। और अब हम आसमान की ऊंचाइयों में। देखो अभी हम वहां थे उस ट्रेड फेयर में थे उस वाले में। और यहाँ से देखो व्यू, ये तो हिल रहा है यार, वो इसने तुम्हें ऊपर ही रोक दिया।
भाई कैसा लग रहा है आपको? नेक्स्ट लेवल भाई भाई ये... देख किसी को बताएगा नहीं तो मेरी बहुत गंदी वाली बट रही वो आगे नीचे आगे नीचे आगे नीचे अब एक खत्म तो नहीं हो जाएगा 60 रुपए रिस्क है ये तो पहले डेस्टिनेशन वाला सीन हो गया भाई ये तो पहले डेस्टिनेशन वाला सीन हो गया भाई ओ भाई ओ भाई शिट भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ ये जब ऊपर जा रहा है ना बहुत अजीब सा हो रहा है मतलब ऊपर जाके ना फिर नीचे आ रहा है ना ये देखो नीचे आ रहा है जो गुदगुदी है जो गुदगुदी कर रहा है ये जो अपने को पेट के नीचे ना बहुत गुदगुदी से हो रही है बहुत अजीब से मेरा धक धक हो रहा है बहुत ज्यादा 100-200 ज्यादा ले लो भाई नीचे उतार दो भैया मेरा फोन गिर गया भैया भाई मेरा फोन गिर गया मैं नीचे जान दो भाई रोक दे यार मैं कह रहा हूँ रोक दे भाई भैया पैसे ले लो रोक दो पर इसे कैसा लगा भाई हार्दिक भाई बहुत मजा आया इतना मजा आया मैं बता नहीं सकता भाई हालत खराब हो गई हमारी अब भाई देखते हैं कुछ और यहाँ पे मिल जाए अभी हार्दिक भाई हमें झूला झुला रहा है गिरेगा नहीं भाई गिरेगा तो हम गए गप्पू भाई कैसा लग रहा है इंश्योरेंस है ना और यहाँ से भैया स्टार्ट कर रहे हैं ओ भाई चल गया चल गया चल गया चल गया कैसा लग रहा है भाई हार्दिक चल रहे बहुत धीरे अब हो गए बहुत तेज ये ओ भाई मेरे को डर लग रहा है शिट ओ भाई ये बहुत तेज अबे शिट ओ भाई उतार दो अबे भाई अबे भाई भाई गिर जाऊंगा मैं और हम यहाँ आसमान की ऊंचाइयों में भी हम झूलेंगे ये वाला झूला भाई साथ में बैठ जा भाई मेरे भाई साहब आ रहे हैं बहुत मजे और ये भैया स्टार्ट कर रहे हैं इसको क्यों रहे हैं भाई हो गया स्टार्ट हो गया हाँ भाई ओ भाई भाई क्या हो रहा है ओ भाई गिर जाएंगे भाई ओ भाई गिर जाएंगे भाई ओ रे शिट मैन भाई गिर ओ भाई गिर जाएंगे भाई बस बता ओ भाई गिर जाएंगे भाई बेहोश हो जाऊंगा मैं ओ भाई मैं बेहोश हो जाऊंगा ओ ओ भाई ओ ओ भाई ओ शिट ओ ऊपर हो गया ये अब यार अभी तो हुआ था एक बार ओ भाई गिर जाएंगे ओ भाई कैसा लग रहा है ओ भाई मर जाऊंगा मैं मेरी हालत खराब हो गई उस वाले मेरी हालत खराब भाई आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो उसको लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करिए हर हर महादेव एक बार और वंस मोर